द्रौपदी किससे करती थी सबसे अधिक प्रेम और क्यों? आखिर पांच पांडवों के अलावा कौन था वो पुरुष जिसे द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी? महाभारत का कारण माने जाने वाले द्रौपदी के बारे में हर कोई जानता ही होगा। द्रौपदी महाभारत की सबसे चर्चित स्त्री रही है। द्रौपदी पांच पुरुषों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी थी। वैसे तो द्रौपदी अपने सभी पतियों से प्रेम करती थी, लेकिन महाभारत में पांच पांडवों के अलावा एक पुरुष ऐसे भी थे जिनसे द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत के इस रहस्य के बारे में बताते हैं। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। द्रौपदी इन पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी और अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, जबकि पांचों पांडवों में से भीम को द्रौपदी से सबसे ज्यादा प्रेम था। आइए अब इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वो पुरुष कौन थे जिनसे द्रौपदी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और कैसे द्रौपदी का ये रहस्य सामने आया। जब पांचों पांडव 12 साल के वनवास को गए तो द्रौपदी भी उनके साथ गई। एक दिन उसने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही उसे तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया तो भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी के फल तोड़ने के कारण पांचों पांडव उस साधु के प्रकोप का शिकार हो सकते थे। ये बात सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से इसका समाधान पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों और द्रौपदी को उसी पेड़ के नीचे जाकर केवल सच बोलना होगा और अपने सारे राज खोलने होंगे। ऐसा करने से ये फल वापस उसी पेड़ पर लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले युधिष्ठिर आए। उन्होंने कहा कि दुनिया में ईमानदारी और अच्छाई का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का विनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि उनके साथ होने वाले सभी बुरी घटनाओं का कारण द्रौपदी है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने के बाद फल जमीन से कुछ ऊपर आ गया। उनके बाद भीम पेड़ के नीचे आए। उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और शारीरिक संबंधों के प्रति उनकी इच्छा कभी कम नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है और जो उनकी गदा का अपमान करेगा वह उसे भी मार देंगे। उनके ऐसा कहने के बाद फल कुछ और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है और जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वो धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कुछ रहस्य नहीं छुपाया। अब सिर्फ द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे पांचों पति मेरे पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बाद भी बिना सोचे समझे किए गए अपने कर्मों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के ऐसा बोलने के बाद फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई राज छिपा रही है। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप पांचों से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी छठे पुरुष से भी प्यार करती हूँ, क्योंकि अकेले कर्ण में वो सारे गुण थे जो पांचों पांडवों में मिलाकर थे, लेकिन जाति की वजह से उसे विवाह नहीं करने का मुझे अब पछतावा होता है। उसने आगे कहा कि अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। इतना कहते ही फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। ये सब सुनकर पांचों पांडवों को ठेस पहुंचा, लेकिन सच तो ये था कि वो अब पांचों पांडवों की पत्नी थी। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की गई है। इसमें हमारी कोई भी निजी राय शामिल नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या संगठन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने इस वीडियो को शिक्षा के उद्देश्य से बनाया है और हम आशा करते हैं कि इसे इसी तरह से लिया जाएगा। ये रोचक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस बात के बारे में आप बहुत कम लोग ही जानते होंगे। सभी लोग इस रहस्य को जान सके इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। धन्यवाद।